Dr. Kantha Bhutra presents radiation therapy from her own experience. मेरे ब्रेस्ट सर्जरी के बाद में मेरी ट्रीटमेंट का सेकंड पार्ट था रेडिएशन। रेडिएशन के लिए मेरे स्टिचेस निकालने के बाद में हम लोगों ने LCDS सूरत में रजिस्ट्रेशन करा दिया था। उन्होंने मास्क बनाने के लिए मेरे को बुलाया था। मास्क बनाने के बनाना मतलब एक्चुअली जो पार्ट आपका अफेक्टेड है उसके साइज़ का एक को वो कवर ऐसे बना देते हैं कि जिसके कारण वो रेडिएशन के टाइम आप फिक्स कर देते हैं, तो रेडिएशन जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे ही जाता है। उसी वक्त मेरे को वहाँ पे डिंपल मैडम ने समझाया था कि मेरे को लूज़ कॉटन के कपड़े अभी पहनने पड़ेंगे, तो उसके कारण मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज स्किन इरीटेशन और बाकी प्रॉब्लम थोड़ी रहेगी। इसलिए फिर मैंने मेरे कपड़ों का तरीका भी बदल दिया था। उसके बाद मास्क के बाद में मेरे को कॉल आया, तब मैं रेडिएशन के लिए पहले दिन गई। पहले दिन मेरे को बहुत डर लग रहा था, पर बाद में जब वहाँ अंदर गई, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत प्रेम से बता रहे थे। वो जो उनका टनल था या जो पैसेज था उसमें से मैं जा रही थी, तो वो पैसेज मेरे को इतना लंबा लगा कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती। फिर वो पैसेज पार करने के बाद में जैसे ही टर्न हुई, एल सेप पैसेज है, तो उसके राइट साइड में सबके मास्क दिखे हुए थे, तो मेरे को एक्चुअली हाँ अभी शुरू हो रहा है ऐसे लगा। बाद में प्रोसेस शुरू हो गई, एक बार रेडिएशन शुरू हुआ, बाद में मेरा पूरा डर निकल गया। पूरे महीने में रेडिएशन के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रेडिएशन जब देते हैं उस टाइम ना तो गर्मी लगती है, ना वहाँ पे हॉट होता है, ना कुछ प्रॉब्लम होती, जो हम लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर रेडिएशन के बाद में या रेडिएशन ख़त्म होने के टाइम पे थोड़े उससे स्किन चेंजेस, स्किन स्कॉल्डिंग या थोड़ा सा जलन या स्किन निकलना, थोड़े बाकी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बाकी रेडिएशन में एज सच एटलीस्ट मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ मुझे हर स्टेज पे समझा रहे थे। और एवरी वीकली हम लोग मैडम की विजिट भी ले रही थी, और जो भी वो लोग बोल रहे थे मैं कर रही थी। बस उसमें एक दो प्रॉब्लम्स आते हैं कि जैसे ये मेरा ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन है और लिम्फीडीमा, मैंने आपको बताऊंगी, तो लिम्फीडीमा के कारण काफ़ी बार पानी भर जाता है और वो ड्रेन या सीरम भर जाता है, वो ड्रेन कराना पड़ता है। सो वो मेरे को दो तीन बार ड्रेन कराना पड़ा था। उसके सिवा बाद में जब रेडिएशन ख़त्म होने का टाइम आया, उस वक्त थोड़ी स्किन में प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरे को ट्रीटमेंट बताई हुई है। सो इन जनरल डर बहुत था, पर मेरे को लगता जितनी मैं डरती थी ऐसे इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। जैसे ये सब लोग बोलते हैं डर के आगे जीत है, वो सही है। मेरे रेडिएशन के ट्रीटमेंट के वक्त मैंने पांच चीज़ों का ध्यान रखा था। वो पांच चीज़ें कौन सी हैं मैडम? एक, ईट वेल, मैं खाना बराबर खाती हूँ और खाने के साथ में फ्रूट्स भी भरपूर ले रही हूँ। उसके सिवा प्रोटीन्स ज़्यादा मिलने के लिए अंकुरित मूंग, मोठ, चना ले रही हूँ, साथ में दूध और दही का प्रमाण भी ज़्यादा रखती हूँ, नट्स भी भरपूर ले रही हूँ और पानी ज़्यादा पीती हूँ। पानी पीने का कभी कंटाला आ जाता है तो नारियल पानी पी लेती हूँ, पर जहाँ तक हो सके शरबत नहीं पीती। मैंने शुगर का कम करने के लिए मिठाई और नमकीन भी एट प्रेजेंट कम कर दिया है। दो नंबर, कीप मूविंग, चलते रहो। मेरे को वैसे ही ब्रेस्ट सर्जरी हुई है तो उसमें नेक और शोल्डर्स के प्रॉब्लम आते हैं, तो उन दो की तो मेरे को कसरत करनी है। सर्जरी के वक्त मेरे एक्सिलरी ग्लैंड्स निकाली हुई है और उसके कारण, प्लस रेडिएशन के टाइम की जो रेडिएशन दिया गया है उसके कारण भी मेरे को ब्रेस्ट पे सूजन आती है, हाथ पे सूजन आती है। हाथ पे जो सूजन आ रही है उसके लिए मेरे को एक तो स्लीव तो दी हुई है, इसलिए मुझे शोल्डर की कसरत, गर्दन की कसरत, लिम्फीडीमा जो बोलते हैं कि सूजन आ जाती है उसकी कसरत, वो सब करनी पड़ती है। वो सब कसरत के सिवा मैं 15-20 मिनट वॉक करने की कोशिश करती हूँ, और अगर टाइम मिला तो थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगास भी कर लेती हूँ। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेस। स्ट्रेस टेंशन तो आएगा ही, पर टेंशन कम करने के लिए अपने को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम तो मेरा कसरत में निकल जाता है, बाद में बच्चों के साथ थोड़ा टाइम निकल जाता है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से फ़ोन पे बात करने में भी टाइम निकल जाता है, फिर भी टाइम काफ़ी बचता है। मैंने मेरी OPDs
थ्रोट रेडिएशन के पीरियड चालू रखी है, उसके कारण मैं बिज़ी रहती हूँ, मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और नेचुरल है मेरा टेंशन काफ़ी कम हो जाता है। सो मेरे को लगता है काम में बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे कोरोना के टाइम पे और मैं ओपीडी में जा रही हूँ, तो हाँ मेरे यहाँ पे मेरे और पेशेंट के बीच में का डिस्टेंस 4 फुट से ही ज़्यादा है और मैं ये मास्क शील्ड यूज़ किए सिवा पेशेंट देखती नहीं हूँ, विथ प्रिकॉशन बट कीप बिजी। खुद को, चौथा पॉइंट, खुद को दूसरी बीमारी से बचाना, उसके लिए नो सोशल गैदरिंग्स, नो मीटिंग्स और बाहर का खाना टोटली वर्ज ए टोटल पीरियड में और उसके बाद में भी जब तक मैं फुल्ली रिकवर नहीं होती हूँ। पांचवा पॉइंट, स्लीप वेल, बहुत अच्छा लगता है पर नींद आना मुश्किल हो जाता है एक्चुअली, इसलिए खुद को बिज़ी रखो। काफ़ी बार फिर भी कभी पेन होता है, कभी इचिंग होता है, कभी बर्निंग होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, इसके कारण जो भी प्रॉब्लम आती है उसी हिसाब से मेडिसिन लेके भी मैंने पूरी नींद लेने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आप पूरे अच्छी तरह से सोओगे नहीं तो आपको रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए ये जो पांचों चीज़ें मैं कर रही हूँ वो सब मेरी इम्यूनिटी टिकाने के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डिंपल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम रेडिएशन के मिथ के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। मैडम, रेडिएशन से गर्मी होती है, पेनफुल है? नहीं, रेडिएशन से कोई गर्मी नहीं होती है, लेकिन उसका नाम ही ऐसा है कि शिकाई लाइट, इसलिए लोगों को लगता है कि ये पेनफुल है। वो एक्स रे है, इनविजिबल रे है, उससे कोई गर्मी नहीं होती है। रेडिएशन रेडियोएक्टिव होगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोग मुझे पूछते हैं कि मैं रेडियो एक्टिव हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रेडिएशन लेने के बाद आप घर जाके अपना रूटीन काम कर सकते हैं, आप जॉब भी जा सकते हैं, आप बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स कीमो की तरह सारी बॉडी में होंगे? नहीं, रेडिएशन लोकलाइज ट्रीटमेंट है। आप जिस एरिया में रेडिएशन जा रहे हैं उसी एरिया में उसका साइड इफेक्ट है, पूरे शरीर में उसके साथ कोई लेना देना नहीं। मेरे बाल झड़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रेडिएशन से बाल झड़ते नहीं है। जिस एरिया में रेडिएशन जाएगा उस एरिया में हेयर लॉस हो सकता है, लेकिन सर के बाल नहीं झड़ते। रेडिएशन से दोबारा कैंसर होगा? नहीं, रेडिएशन कैंसर सेल को मारने के लिए काम करता है, उससे दोबारा कैंसर नहीं होता है। इतने सारे फ्रैक्शंस क्यों लेने हैं? रेडिएशन स्लोली काम करता है, इसलिए वो 5 या 6 वीक का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम 1 या 5 सेक में भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशलाइज इंडिकेशन है, उसी केस में दे सकते। एक रेडिएशन को कितना टाइम लगता है? एक रेडिएशन देने में 30 सेकंड्स या 1 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी गांठ तो निकल गई है, फिर रेडिएशन क्यों लेना है? लोग बोलते हैं सर्जरी करके गठन तो निकाल ही दिया, आप क्यों रेडिएशन लेना है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली भी कोई कैंसर सेल्स उस एरिया में पड़े हैं तो उसको क्लियर करने के लिए रेडिएशन लेना। मैं हेयर डाई लगा सकती हूँ? हाँ, रेडिएशन के बाद आप हेयर डाई लगा सकते हैं। आजकल हम रेडिएशन से इसलिए डर रहे हैं कि हमें रेडिएशन के बारे में कुछ पता नहीं है। अभी हम ज़्यादा जानकारी लेंगे और रेडिएशन से डरेंगे नहीं, डर के आगे ही जीत है।